जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं आया हूँ हार्ड रॉक रेस्टोरेंट, और तो जैसा आप देख रहे हैं आज है वीकेंड का दिन। जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम आ गए बोर्ड स्टैंड की तरफ और यहाँ भी खा मखा चला चला। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली, और जो मेरा आज का ब्लॉग वीकेंड के ऊपर होने जा रहा है, वीकेंड के ऊपर इसलिए होने जा रहा है आज मैं दिखाने वाला हूँ क्राउड भीड़ भाड़ फुटपाथ में कितनी है और कितने पर्यटक हैं इस टाइम नैनीताल के साथ नैनीताल के लेक में बोटिंग कर रहे हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं आज है वीकेंड का दिन, और वीकेंड के दिन में यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये चौराहा है क्लब की रोड का, लेकिन जाम आप देख सकते हैं इसमें बड़ा खतरनाक जाम लगा है, ऊपर तक जाम लगा है, ये देख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ वीकेंड का दिन है, और वीकेंड के दिन में इतना जाम लगा हुआ है, और तकरीबन इस टाइम बज रहे हैं छः बजे के आसपास, आप देख सकते हैं जाम। और यह क्लब की रोड चिनवा मंदिर है इस सामने, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कहाँ तक जाम लगा हुआ है। तो इस टाइम मैं पहुँची हूँ रॉयल होटल, और रॉयल होटल तक ही जाम है, हल्की हल्की गाड़ियाँ जो हैं खसक रही हैं, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाम है। ये देख सकते हैं आप कहाँ तक जाम है। तो जैसा आप देख रहे हैं आज है वीकेंड का दिन, और वीकेंड के दिन में आप देख सकते हैं कि टीएसए फील्ड में कितनी भीड़ भाड़ है, और ये शाम का वक्त है, और शाम के वक्त में आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या में आज इजाफा हो गया, पर्यटक जो हैं बढ़ गए हैं। और मैं खड़ा हूँ टीएसए की कार पार्किंग के पास, इधर देख सकते हैं, और इधर लग रहा है जाम। और ये जाम किस लिए लगता है मैं आपको बता दूं, ये लगता है इसलिए क्योंकि सब जो गाड़ी होती है ना यहाँ जानी यहीं जाना पसंद करती है, पता नहीं क्या है कार पार्किंग में यहाँ, तो यहीं से एक एक करके खसकती हैं, देखिए। तो एक इसी की वजह से फिर जाम लगता है, पीछे बहुत लंबा जाम है। और ये देखिए सब रेलिंग में बैठे हैं मस्जिद के पास, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई घूम रहा है। तो चलते हैं फुटपाथ के पास और फुटपाथ का नज़ारा दिखाता हूँ कि आज वीकेंड में कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं फुटपाथ में, फुटपाथ में काफ़ी क्राउड का भी भीड़ भाड़ आ जाए वीकेंड का दिन। तो ये देख सकते हो कितनी भीड़ भाड़ है, मतलब मोबाइल मोर को ऊपर करके चलना पड़ रहा है, तो आप देखिए भीड़। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, मतलब नैनीताल में, और इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ में। आज है वीकेंड का दिन, तो यहाँ पे कुछ हल्की हुई है भीड़, अब आगे फिर बढ़ गई भीड़। और ये सैटरडे की भीड़ है, वीकेंड की भीड़ है ये। और यहाँ देख सकते हैं पार्क के अंदर कितनी भीड़ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस टाइम मैं हूँ कैपिटल सिनेमा हॉल के पास, यह टिकट काउंटर सामने, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है ये। और नैनीताल की साथ नैनीताल की लेक में भी बहुत बोर से चल रही है, तो चलते उधर की तरफ, वहाँ दिखाता हूँ मैं कितनी भीड़ है। फिलहाल उधर बैंड बज रहे हैं, तो उधर भी चलेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्राउड, कितनी भीड़ भाड़ है। और ये सब यहाँ पर ठंडी हवा खाने का लुत्फ उठाने आए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, और क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, और आप देख सकते हैं इस टाइम लेक, तो चलते हैं उधर, चलते हैं, फॉग भी लग रहा है। तो इस टाइम चल रहे हैं हम, आप चल रहे हैं बैंड स्टैंड की तरफ जहाँ बैंड बज रहे हैं, और इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के पास। और इस टाइम ना माल रोड की जो अपर माल रोड, उसके रिक्शे हो गए बंद, मतलब रिक्शे जो कह रहा हूँ सॉरी, मतलब गाड़ियाँ जो हो गई बंद, तो उसमें आप फ्री माइंड घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा पार्क का नज़ारा दिखाऊं आपको, ये देख सकते हैं पार्क का नज़ारा कैसा है अंदर। और एक झूला जो टूटा हुआ, तो टूटा हुआ ही है, इधर देख सकते हैं आप, और सामने कैपिटल सिनेमा हॉल का। और आज ना काफ़ी भीड़ है, पार्क ही फुल है, फुटपाथ ही फुल है, और माल रोड भी फुल है। तो चलते हैं बैंड स्टैंड की तरफ जहाँ बैंड बज रहे हैं। Hey,
जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम आगे बोर्ड स्टैंड की तरफ और यहाँ भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। और आज तो हर जगह भीड़ मिल रही है, मतलब चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा कि कैसा नज़ारा है। बोर्डिंग जा रहे हैं बोर्ड में, तो देख सकते हैं आप किस टाइम आ गए हम बैनी बोर्ड स्टैंड की तरफ। काफ़ी आज ब्लॉग बनाने में लफ्ज़ों का थोड़ा गलत गलत इस्तेमाल हो जा रहा है, थोड़ी कम्युनिटी भी होनी चाहिए ना। और आप देख सकते हैं कि नैनीताल की शान, नैनीताल की लेकिन कितनी बोर्ड से चलने आगे देख सकते हैं ये। और 6:30 बज रहे इस टाइम, तो कुछ नज़ारा ऐसा है आप देख सकते हैं ये। तो आज देख रहा हूँ मैं काफ़ी बोर्ड सिस्टम चल रही है और फॉग भी लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप। और अभी ना हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और बादल लगे हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं। आज धूप नहीं आई है बिल्कुल भी, हल्की फुल्की धूप आई थी और बारिश तो नहीं हुई है लेकिन बादल लगे हुए हैं आज सुबह से, फॉग भी लगा है। और ये देख सकते हैं आप कुछ नज़ारा इस तरीके से है ये, और सब इधर की रेलिंग में बैठे हुए हैं ये, और यहाँ पे बैंड बज रहे हैं ये देख सकते हैं आप। और पानी का लेवल देख सकते हैं कहाँ तक चले गया है, थोड़ा सा मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। तो पूरी लास्ट स्टेप तक उससे भी नीचे पानी चले गया आप ये देख सकते हैं ये। कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये देख सकते हैं आप इधर को, तो चलते हैं उधर की तरफ, उधर से दिखाता हूँ मैं कैसा नज़ारा है। तो ये देख सकते हैं कि पानी का लेवल कहाँ पे है और बोर्ड से आज तो पूरी नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक में इतनी बोर्ड से चल रही है कि पूछो मत। और अभी भी टूरिस्ट जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि रोज़गार चल रहा है लोगों का। ये तो कुछ इस तरीके से है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। आज है वीकेंड का दिन, शनिवार का दिन है आज। इस टाइम मैं आ गया चाट मार्केट की तरफ और चाट मार्केट की तरफ भी आज भीड़ भाड़ बहुत है, कुछ नहीं है अगर देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं इधर कितनी क्राउड, कितनी भीड़ भाड़ है। तो आप देख सकते हैं ये भीड़ भाड़, भोटिया मार्केट, चाट मार्केट, तो देखते हैं कैसी भीड़ भाड़ है। और इधर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ भाड़ है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई मोमो थप्पा खा रहा है, कोई घूम रहा है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसी दिनचर्या चल रही है। और देख सकते हैं आप हार्ड रॉक कितनी भीड़ है, वेटिंग में चल रहा है मामला। यह नैना देवी टेम्पल गुरुद्वारा और इसके आगे जामा मस्जिद चर्च, तो सब अगल बगल हैं ये, तो काफ़ी अच्छी मिसाल दी जाती है यहाँ पे एकता की। जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं आया हूँ हार्ड रॉक रेस्टोरेंट और इस टाइम आप देख रहे हैं कि वीकेंड के दिन तो कितनी भीड़ भाड़ है ये देख सकते हैं आप। और इस टाइम ना वेटिंग के लिए बाहर भी लोग खड़े हुए हैं, कब ये खाली हो कब बाहर से अंदर को आए लोग, तो उसके लिए भी वेटिंग यहाँ पे चल रही है, तो इस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ है। और थोड़ा सा मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, इस क्या नाम है ये देख सकते हैं आप, यह है हार्ड रॉक रेस्टोरेंट। और यहाँ पर मैं अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं थुप्पा मोमो और जो भी मुझे खाना होता है वो खाता हूँ मसाला टोपा। तो ये देख सकते हैं हार्ड रॉक रेस्टोरेंट और इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ है ये, और इस टाइम चल रही है बाहर से वेटिंग। तो ये देख सकते हैं आज है वीकेंड का दिन, शनिवार का दिन है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो उम्मीद करेंगे कि आने जाने दिनों में भी इस पर भीड़ भाड़ हो। तो चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाता हूँ बाहर से कैसा नज़ारा है, और मैं आपको बाहर से ही बोर्ड दिखा देता हूँ इसका।
ये देख सकते आप। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम मैं बाहर आ गया हूँ और ये बाहर का नज़ारा है और आप देख ही रहे हैं सामने नंदेव टेंपल गुरुद्वारा सामने जामा मस्जिद, तो कुछ ऐसा है नज़ारा। तो ये था आज का दिन, वीकेंड का दिन, शनिवार का दिन। यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल किसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में पीछे नैनीताल किसान नैनीताल की लेक है। तो आज जैसे मैंने आपको दिखाया है वीकेंड में कैसा क्राउड है, कैसी भीड़ भाड़ है नैनीताल में, तो उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में आप भी आएंगे नैनीताल का एंजॉय करेंगे और कुछ हंसी यहाँ अपने संग ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।